चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए, समझिए इसको, बनाइए समझिए इसको। सर ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? आप न्यू हैं इसीलिए आप हमको देखिएगा, ना कि क्वेश्चन को तुरंत समझने का प्रयास कर जाइएगा, ठीक है? हाँ चलिए। सर ये फैक्टोरियल का आप देखिए कि आप मेरा बताया गया बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? हाँ सर, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, सब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि अगर फैक्टोरियल टू लिखा हुआ है तो टू से पीछे चलते जाओ मल्टीप्लाई करके, ठीक है? अगर फैक्टोरियल थ्री लिखा हुआ है तो थ्री से चल जाओ पीछे मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है? थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन। फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है? अगर लिखा हुआ है सिक्स फैक्टोरियल तो कहां जाना है? सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तक जाना है, ठीक है? लेकिन सर यहां पर घटना क्या घट रहा है? सर इस सब का प्लस करने पर आपको क्या निकालना है? यूनिट डिजिट, ठीक है? अब ये फाइव को गौर से देखिए, ये फाइव को, ये बड़ा प्यारा बंदा है, ये है ना, फाइव बड़ा प्यारा बंदा है। कैसे? देखिए सर, ये आपका फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। सर जहां पर भी फाइव आया और उसके साथ में आपका इवन आया, ठीक है, जहां पर भी आपका फाइव आया और उसके साथ में आपका इवन आया, यहां लीजिए चेयर है, देखिए यहां पर आई शुभम को पीछे बैठे दिक्कत हो रहा था, ऐसे आप वहां बैठे थे ना मुक्ति जगह पर। ओ देखिए यहां पर सर, फैक्टोरियल फाइव में, फैक्टोरियल फाइव के बाद जितना भी आएगा फैक्टोरियल फाइव से, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना आएगा? जीरो आएगा ना। सर जब भी फाइव के साथ कोई इवन मिलेगा वो क्या देगा? जीरो। सर आगे सिक्स है उसमें भी तो फाइव छुपा हुआ है, आगे सेवन है उसमें भी तो फाइव छुपा हुआ है ना। तो सर जब भी फाइव से शुरुआत करके कितनों आगे जाएंगे उसके साथ में फाइव और इवन छुपा हुआ रहेगा, यहां तक क्लियर है? ठीक। इसका मतलब सर इसके बाद जितना भी आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा आपका? जीरो। तो सर मेन मकसद किसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है। सर वन का इकाई वन, टू का इकाई टू, थ्री का छह, चार दिया बारह, बाद उन्हीं चौबीस का क्या? चार, छह चार दस, हटाइए दो और एक तीन, तो इकाई अंक क्या होगा? तीन। सिंपल था ना, ठीक है? पर इकाई अंक आप लोगों को बड़ा इजी लगा होगा, है ना? रिमाइंडर थ्योरम के जो हिसाब से हम बताएं ना, सबसे इजी मेथड बताएं। अच्छा कल बड़ा हंसी लगा था हमको लाइब्रेरिया में, पूरा मार्केटिंग कर दे ले हमार की हो सब लोग जो बैठते हैं, कल घुसे यहाँ पे लाइब्रेरी में घुसे देखे सब हमारे वीडियो देख रहा था, दस पंद्रह सात आठ को सब हमारे वीडियो देख रहा है, समझे? मतलब कौन सा नंबर सिस्टम का, मुक्ति किसको बताए थे पता नहीं, आकर के कल बोलता है सर आठ को वीडियो देख लीजिए कल आपका नंबर सिस्टम का, बड़ा अच्छा लगा सर। देखिए ये इस बार का, ये इस बार का क्वेश्चन, दिसंबर में एग्जाम हुआ है ना उसका, सारा लेटेस्ट है। कोई तरीका बनाइए मत, ठीक है? एक बार सोचिए कि दिमाग आप लोग का काम कहां से करेगा, पेन कहां से उठाइएगा आप लोग, पेन कहां उठाइएगा? कौन सर बोले थे अभी? हाँ मुक्ति,
जैसे सीक्वेंस का उसी तरह रखने के बारे में फैक्टोरियल को फार्मूला अच्छे से जोड़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। पहला स्टेप दिमाग में क्या आएगा हमको ये बताइए। वेरी गुड, सारू ठीक बोले। पांच के बाद जितना भी आएगा उसके साथ में क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब आपको कहां तक जाना है? चार तक जाना है। समझ में ये तो आ रहा है ना कि पांच के बाद जितना भी जाएगा, सुबह हम पर्दा लगा देते। आइए कुणाल, क्या देखिए, पांच के बाद जितना भी आएगा उसमें क्या आएगा आपका? जीरो। इकाई अंक क्या आएगा? जीरो। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पर, अरे पढ़ लेना भाई, बाद में पानी पीना। अभी ये पानी बाथरूम से अभी कर लो सब। पानी पानी पानी, पानी। चिल्ला हम रहे पानी के पास, इन लोग को लग रहा है। दो दो मिनट में हम पानी मांगे, सब गाली दीजिएगा हम ही को। यहां पर देखिए सर, यहां पर क्या है? यहां पर है चार पॉइंट चार का फैक्टर, यहां पॉइंट इंटू है ये फैक्टोरियल, और ये क्या है? चार का फैक्टोरियल। यही ना मतलब हुआ? अब समझिए सर, पांच के बाद जितना भी आएगा वो क्या देगा आपको रिमाइंडर? जीरो। ठीक है, ये मेन पॉइंट यहां नहीं यहां होना चाहिए था। ठीक है, ये यहां नहीं यहां होना चाहिए था, बीच में। तब बीच का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बीच में पॉइंट दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, देखिए अब सॉल्व करते हैं। वन का फैक्टोरियल वन, वन इंटू वन वन, और पावर वन क्या देगा? वन। ये सही है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दो का फैक्टोरियल दो, टू इंटू वन टू होता है ना, और ये टू इंटू टू फोर। ठीक है, और ये क्या कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? टू इंटू फोर हो जाएगा, और फोर का पावर क्या है आपका? टू, मतलब सोलह। सोलह का क्या होगा? छ। क्या होगा आपका? छ। यहां तक सही है? ठीक, अच्छा ब्रैकेट है ना। ठीक है, पहले ब्रैकेट इसके पर सॉल्व होगा। देखिए ठीक है, ठीक है, ठीक, यहां दो, दो का स्क्वायर क्या होगा? चार, और चार दुनी आठ। ठीक सही। अब यहां देखिए सर, थ्री, थ्री टू जा सिक्स, और सिक्स का पावर क्या है? सिक्स का पावर कुछ भी रहे वो क्या देगा? सिक्स देगा। यहां तो ठीक है, और यहां पर सिक्स आएगा, सिक्स थ्री जा एटीन, तो क्या आएगा आपका? एट। सही है यहां तक। अब देखिए यहां पर फैक्टोरियल फोर का मतलब क्या? चौबीस, चौबीस का मतलब चार, चार यहां पर चौबीस, चार का पावर क्या है? इवन है, चार और नौ याद है ना, चार का पावर अगर इवन रहे तो क्या आता है? छ, छ आता है। यहां पर छ आएगा, छ को फिर चार से करेंगे, छ चौक चौबीस का क्या बचेगा? चार, तो यहां पर क्या आएगा आपका? चार। ठीक है, सोलह चार बीस, और एक इक्कीस, लास्ट में क्या आएगा? एक। इसमें किसी को भी दिक्कत हुआ दोबारा रिपीट कर देंगे हम, अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो रिपीट कर देंगे। फैक्टोरियल फोर का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल फोर का मतलब क्या होता है? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, विक्की किसका लेटर पढ़ रहे हैं? छोड़ दे भाई, कभी किसी को ऐसा लगे ना कि मेरा स्थिति सर क्या समझते हैं हमको देख करके, तो कभी पूछ लीजिएगा मेरे से, है ना, कि सर हमको देख करके आपको क्या लगता है कि हम क्या कर पाएंगे आगे, है ना। और ऐसे पूछिए कि सर सरेआम पूछिए मेरे से, सरेआम बताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम रियलिटी बताएंगे आप लोग का, शक्ल देख करके आप लोगों को क्या लगता है हमको, समझे। किसी जानने का मन है क्या? अभी ना आपका तीन चार दिन हुआ, अभी बोल देंगे कि पढ़ने का लक्षण है तो विश्वास हो नहीं होगा किसी को, है ना। जैसे पीछे से देखिए आदित्य को, ठीक है, जितना नजर वो चुराते हैं मेरे से उतना शायद कोई चुराता होगा, समझे।
वो नजर में नजर मिलाते नहीं एक भी क्वेश्चन में मेरे साथ, और इस तरह करके केवल वो भीड़ में शामिल हो रहे हैं, ना कि कॉम्पिटिशन निकालने में। नजर मिलाने वाला का आदमी का नजरिया ही अलग होता है, समझे। तीन दिन चार दिन एब्सेंट करने वाला काउ तो खाली भीड़ का हिस्सा है, खाली आ करके हमको पैसा दे रहे, खाली भीड़ का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 162, समझिए, आदित्य हुए, विक्की हुए, बाकी जो लोग हैं ना, वो लोग अभी उम्र ही आप लोग का ऐसा है ना, आप लोग का दोष नहीं, उम्र का दोष है, ठीक है। हाँ समझे, इस साला जो 18 से लेकर के 22 23 साल का जो उम्र होता है ना, ये बड़ा खराब उम्र होता है, एकदम बहकने की उम्र यही होता है, समझे। मेरे पास यही उम्र था बहकने का, जिससे हम क्रॉस कर गए, समझे। अब संत है, कोई भी घटना होता है पते नहीं चलता है, समझे, कौन आया जिंदगी में, कौन गया, सब मोह माया, समझे। तो एक समय बाद आप भी इस उम्र को क्रॉस कर जाइएगा, समझे। इसीलिए अभी केवल पढ़ाई कर लीजिए, समझे। वो कौन कहानी है ना, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो अभी ये मौका, समझे, वही वाला है, समझे। तो पढ़ लीजिए, समझे, अभी ही मौका है, समझे। जब हम प्यार किए थे तो सब डाला को हमारा यह मारता था, है ना, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि हम पढ़ते भी थे। हम फिजिक्स ऑनर्स लेने के बाद भी खाली दिन भर कॉम्पिटिशन का पढ़ते रहते थे, मैथ खाली पढ़ते रहते थे। तो मेरा टीचर परेशान था मेरे से कि तुम पास करेगा रे। अब वो टीचर को क्या पता, मतलब कि वहां है ना, मेरा नीलेश सर थे, उनको समझाए हम कि सर हम एक दिन में 15-16 घंटा पढ़ते हैं, है ना, तो सब चीज मेरा कवर हो जाता है। इतना करने के बाद भी फिजिक्स ऑनर्स से फर्स्ट डिवीजन लाए थे आपके ग्रीडी कॉलेज से, सेंटर महिला कॉलेज, चीटिंग तो होता नहीं होगा, है ना, महिला कॉलेज में चीटिंग का ही तुम गर्दन नहीं मुड़ा सकता है, गर्दनिया काट देगा ये लोग। चलिए बनाइए इसको जल्दी। सर फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए 1 का कितना कर लीजिए, 1 रहेगा, 2 का पावर क्या आएगा आपका, आए इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 2 बचेगा तो क्या आएगा आपका 4। ये समझ में आ रहा है पिंटू आनंद, समझ में आ रहा है। यहां देखिए सर 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है, 6 का पावर कुछ हो रहा है 6 देगा वो, 4 का फैक्टोरियल 24, 24 का मतलब 4, 4 का पावर इवन मतलब क्या देगा, 6 4 10, 6 और 1 7, समझ में आया। Thank you.
जब तक हम यहाँ लिखते हैं तब तक आप लोग बतिया सकते हैं, समझे? खाली जब पढ़ाते हैं तखनी खाली सुनिए, तो बतियाइए आराम से। आए अभी तो पायल दबे अभी से इसका बताइए, इसको क्या लिखेंगे? हो हमको ये बताइए कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 10। इसको लिखेंगे क्या? 4 का पावर 10। और इसमें 4 × 10, इसमें 4 × 10। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंटू में और इसमें ये किसमें? प्लस में, ठीक है सर। 4 × 4 मतलब कि 4 कितना बार 10 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये कितना है? 4 4 4 4 कितना बार? 10 बार प्लस हो रहा है ना। इसीलिए बताने का रीजन इसलिए था क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी बीच में मल्टीप्लाई है, अगला क्वेश्चन में प्लस है, ठीक है, समझिए मेरा बात को। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये इस बार का हो रहा है सारा, 2-3 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन है। ये हम बोलते हैं छाटेंगे सब चैप्टर का अलग अलग, छाट चुके, रतिया भर जागते हैं तो मुजरा नहीं करते घर वहां। देखें यहां पर 4 का पावर 4 और 9 तो भाई है, 4 का पावर अगर देखिए हर जगह ऑड है ना, 1 3 4 7 9 10 10 नहीं है क्या? 11 13 मतलब 4 का हर बार पावर क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। और अगर 4 का पावर ऑड रहता है तो क्या देता है? वो 4 देता है ना, सही है। और सर टोटल कितना नंबर लिखा हुआ है? 1 से चालू करके 100 तक लिखा हुआ है। इसका मतलब 50 × 4 होगा और 50 × 9 होगा, ये पता चल रहा है ना, 1 2 3 4 तो ये सब है ना, मतलब 1 तो 4 कितना बार होगा? 50 बार। और 9 50 बार, कुल मिलाकर के 100 बार, ठीक। तो सर 4 का पावर जब ऑड रहता है तो रिमाइंडर क्या देता है, सॉरी इकाई अंक क्या देता है? वो 4 है ना, और मल्टीप्लाई है तो 4 का पावर कितना? 50, यही ना, सही है। किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं, कुणाल समझ में आया है, ठीक। सर यहां मल्टीप्लाई है आपका, 9 का पावर जब इवन होता है तो क्या देता है? वो 1 देता है। और 1 का पावर कितना रहे क्या देगा? वो 1। वैसे लिख सकते हैं 1 का पावर भी 50 है ना। सर अभी क्या आ रहा है? 4 का पावर क्या है आपका? इवन, तो क्या होगा आपका? 6 6 × 1 क्या होगा? 6। समझ में आया? वेरी गुड। समझिए एक बार में, समझिएगा सर, यहां पर लिख सकते हैं 4 × 50 लिख सकते हैं ना सर, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 4, वहां भी 4, आगे भी 4, हर जगह 4, कितना बार? 50 बार, बीच में प्लस है ना, 4 × 50, 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 4 × 50, वही ना। अच्छा ये सब जो काम कर रहे हैं केवल किस पे कर रहे हैं? इकाई अंक पे कर रहे हैं। ऐसा मत बोलिए कि जो 6 आया है ना इसका आंसर है 6, ठीक है, आंसर 6 नहीं है। ये सारा काम किस पे कर रहे हैं हम लोग? इकाई अंक पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है आपका? 4 × 50,
तो इकाई अंक क्या आएगा इसका? जीरो आएगा ना, ठीक है। और यहां नौ का भी कुछ भी रहे लेकिन वन ही रहेगा, तो ये भी कितना बार? पचास। तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? जीरो। फाइनली क्या आएगा? जीरो। तो इकाई अंक जीरो। समझ में आया? तो सर आपका एग्जामिनर अगला बार ये देगा नहीं, यहां तीन देगा या सात देगा या आठ देगा, कुछ भी देगा बन जाएगा ना, ठीक है, कुछ भी देगा बन जाएगा, पक्का पक्का। इसीलिए बोलते हैं दिमागवा लगाना चालू कीजिए, समझे, इसीलिए बोलते हैं दिमाग लगाना चालू कीजिए। क्या दो पॉसिबल है? आ? अगर यहां पर हमको ये बताइए, काहे ना सोचते हैं आप लोग, एग्जामिनर यही कह दिया है, हमको ये बताइए आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, बताइए मत, सुनिए पहले, ये क्या हो गया, क्या हो गया, बताइए मत। देखिए सर, पहले अगर हम लोग दो को सॉल्व करना चाहें, ठीक है, एकदम जो समझा रहे सुनिए, आज तक ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है, हो सकता है आ जाए और हो सकता है ना भी आए, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सर ये दो का, पहले दो को चेक कीजिए, ठीक है, अगला आपका दो कहां तक जाएगा? दो का पावर सात, और क्या है आपका, फिर है आपका तीन का पावर आठ, फिर दो का पावर नौ और तीन का पावर दस, यहां तक जाएगा ना, ठीक है, कैमरा मार रहा है, बोलो, तीन का पावर दस, पीछे पूरा खुला हुआ है ना इसलिए चमक रहा है, धीरे 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 गिर जाएगा, बोला धीरे से, पूरा धीरे से कीजिएगा, धीरे से, इसीलिए हम बोले थे धीरे से करने के लिए। हे भगवान, हमरे गलती है, हम ही जाना चाहिए, नहीं नहीं उसमें गलती मेरा उसमें क्या है पता है, कि हम लोग उसमें बहुत औजादी कर दिए थे, ये क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त, उसमें इसीलिए कैलाश समझ में आ रहा है, ठीक, क्लास कैसा है, कुछ भी अभी समझ में नहीं है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट परसों चालू हो चुका है, समझे, यूनिट डिजिट परसों चालू हुआ है, हाँ लेकिन कल से आपको समझ में आएगा क्योंकि कल से इसमें कल और परसों नया चीज चालू हुआ है, और मंडे से तो और भी समझ में आएगा क्योंकि मंडे से नया चैप्टर भी चालू हुआ है, आराम से बस हो गया, बैठिए छोड़ दीजिए, उतना बर्दाश्त कर लेंगे हम, बैठिए, है ना, मंडे से नया चैप्टर चालू होगा ना, तो हर, अच्छा आप सुन लीजिए, मंडे से इस बैच में भी नया चैप्टर होगा और शाम वाला बैच में भी नया चैप्टर होगा, ठीक है,
शाम वाला बैच में 4 से 5 लोग न्यू आ रहे हैं, ये बैच में बोलना चाहते हैं किसी को तो बोल सकते हैं। हाँ पता है जगह नहीं है, वो हमको पता है आप लोगों का कुंडली क्या है, ठीक है, कोई ना कोई एब्सेंट वैसे भी रहते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी अभी लगवाएंगे स्टेटस आप लोग अभी किसका की पता हमरा यार, हम तो बनेले ही अभी तुरंत बताइए कैसे। नहीं नहीं पूरा बताइए तो हम बोल रहे हैं, बस थोड़ा मोड़ा ठीक थोड़ा मोड़ा ठीक बोल रहे हैं, बता दीजिए 25 पेयर। हाँ ठीक है आप बनाए इसमें क्वेश्चन, आप बताइए वन किसका आया, वन बैठ सोम बैठिए प्रदीप वन, ठीक है देख लेंगे, हो सकता है पता नहीं, हम तो बड़ा है ऊपर वाला जा रहे, ठीक है। अच्छा एक बार सॉल्व करने की ट्राई करें, उतना टाइम नहीं मिलेगा, ओके आप कीजिए ना, आप सॉल्व कीजिए ना देख। अच्छा एक चीज बताइएगा यहां पर, ठीक है थोड़ा इसको देख करके दिमाग काम कर रहा है, पहले पहले आएगा क्या ऊपर तो बताइए, पहले मेन क्या आएगा कुछ वेलकम टू आवर मंच। केवल केवल पेन टच होना चाहिए, हाथ नहीं। टू बॉल 100 कहाँ आ गया, पेयर बनते जाएगा, ये 3 और ये 2 और 97 ये पेयर बनते जाएगा 25 पेयर बनेगा। अरे तो 25, अरे ऐसे से बात है यार, सम ऑफ भाई 25 पेयर जा रहा है लेकिन सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, बस सुबह क्वेश्चन सही है, है ना एक नहीं नहीं बनेगा दो, एकदम सही बनाया, क्या समझ में आया।
अच्छा कितना पेयर बनेगा ऊपर दो का, ये 25 पेयर बनेगा ना, 25 पेयर बनेगा, 50 गो तो 25 का पेयर बनेगा है ना, तो इंटू 25 इधर भी 3 का 25 पेयर बनेगा, इंटू 25 तो 25 कहाँ गया हो है? तो अब तो खाली उसी का इस्तेमाल कर दिए, तो ये 25 कहाँ गया? जैसे कि केवल आप इसका और इसका इस्तेमाल किए ना, इसका और इसका, वो जो 25 जो पेयर बना वो 25 कहाँ गया? कहाँ पावर 25? अच्छा यहां लिख दिए, दो का पावर 100 क्या वो हंड्रेड तो सही है ना, क्या ची दो का पावर दो का स्क्वायर ठीक है, 102 ठीक है, ना सही है क्या जी, दो का पावर 100 में यूनिट डिजिट कैसे दो आएगा, डिवाइड किए 4 से सही तो है, सही है ये बोला सही है, हाँ ये सही, हाँ एकदम सही, अगर ये 2 का पावर 1 और यहाँ 2 का पावर 3 शुरुआत का और आखिरी का ऐड किया गया ठीक है, तो 2 का पावर कितना हो गया 100 और 25 को पेयर बनेगा तो लास्ट में वो 25 लाया ही है ना, लास्ट में 25 लाया है, 25 यहां रख देगा तो और भी अच्छा लगेगा है ना, लेकिन यहां नहीं रखाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा सर आप, पावर में जाएगा ना मल्टीप्लाई, जैसे कि सम ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ ऑड नहीं ना करना है बाबू आपको, ये समझ में आ रहा है, ये वाला ये देखिए यहाँ पर, यहाँ बन रहा है 2 का पावर 100 है ना, और फिर बन रहा है 2 का पावर 100 और फिर बन रहा है 2 का पावर 100 कितना को बन रहा है 25 बार बन रहा है और ये मल्टीप्लाई है, ये वाला क्वेश्चन में हमको ये बताइए इस तरह का क्वेश्चन में ठीक है, रुकिए अरे आन रे, 2 × 2 × 2 ये लिखते थे तो आता था क्या 2 का पावर 3 ठीक है, 2 का पावर 25 इसको यहां 25 कर सकते हैं डायरेक्ट ना, तो वही तो बोल रहे हैं यहां पर, तब ये दिखेगा 25 है ना, तब ये दिखेगा, तब ये सही होगा, आपको यहां पर 25 देना होगा तब आदमी को समझ में भी आएगा ये तरीका ठीक है, एक और तरीका है, और भी तरीका हो सकता है बालेगा है ना,
लेकिन ये तरीका बेस्ट है, सुबह मच्छा बनाए, वेरी गुड, तरीका बहुत अच्छा है ये वाला। आज तक कभी ये क्वेश्चन आया नहीं है, जितना प्रीवियस ईयर हम देखें ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बनेगा। और देखिए चलिए यहां देखिए सॉल्व कैसे किया गया है, सो बताएं आप समझिए, ठीक है, ये सॉल्व कैसे किया गया है क्वेश्चन सो समझिएगा। केवल दो पर अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, केवल किस पर, दो पर ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है और ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये वाला, सुनिएगा। सर दो का पावर एक इंटू दो का पावर तीन इंटू दो का पावर पांच और ये चलते जा रहा है आपका दो का पावर किस में, समझा रहे हैं हम, समझ जाइएगा आप लोग तुरंत, एकदम घबराइएगा मत, तोड़ तोड़ के हम समझा दे रहे हैं। और साथ में मल्टीप्लाई तीन का पावर दो, तीन का पावर चार, तीन का पावर छह, मल्टीप्लाई बीच में, और ये हो गया आपका तीन का पावर सौ। इसको हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, ये समझ में आया, ठीक। और आप लोग को ये पता है कि a का पावर m इंटू b का पावर इंटू a का पावर n, तो क्या होता है a का पावर m प्लस n, ये तो पता है ना। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होता है, ये पता चल रहा है। नेक्स्ट मेथड पिंटू समझ आया ये वाला, कहां दिक्कत हुआ, हाँ? अगर ये रूल होता है वो समझ में आया, लिखे सो, ये रूल होता है आपका, अगर यहां पर लिखा हुआ है समझिए 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 तो हो जाएगा 5 का पावर 5। ये नियम होता है कि जब बेस सेम रहे, ठीक है, और बीच में बेस सेम का मतलब इसको बोलते हैं बेस, और बीच में मल्टीप्लाई रहे तो पावर आपका ऐड होता है, पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। अगर आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा 9 का पावर 18 इंटू 9 का पावर 5 तो कुल मिलाकर के 9 का पावर 23, समझ में आया, ठीक, यही बोला जा रहा है। तो अब यहां पर देखिए सर, पहला नंबर और आखिरी नंबर को ध्यान दीजिए, पहला नंबर और आखिरी नंबर, ठीक है सर, यहां पर भी यहां इस नंबर और यहां पर आएगा आपका 2 का पावर 97 आएगा ना, उस पर ध्यान दीजिए, दिख रहा है यहां तक। तो सर पहला नंबर और आखिरी नंबर पर ध्यान देंगे तो कितना बनेगा 2 का पावर 1 प्लस 99 कितना बनेगा 100, ये बनेगा। अच्छा हमको ये बताइए टोटल 1 से चालू करके ये 99 तक है तो ऊपर में के गो नंबर है, 50 गो नंबर है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 99 तक 50 गो नंबर है, 1 से 100 तक का गिनती में 50 गो इवन होता है, सम होता है, 50 गो विषम होता है। तो सर गिनती सुबह सुबह कहां से किया, 1 से लेकर के 100 तक, तो जो विषम है वो 50 गो है, जो सम है वो क्या है 50 गो है, यहां तक क्लियर है। तो सर ऊपर में 50 गो है और 50 गो में हर 2 गो मिलकर के किगो बना रहा है, एगो, हर 2 गो मिलकर के एगो बना रहा है ना, यहां पर 2 का पावर 1 है और यहां पर 2 का पावर 99, 2 गो मिलकर के समझिएगा, ये 2 गो मिलकर के किगो बना रहा है एगो, फिर इधर एगो बढ़ेंगे इधर पीछे आएंगे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 97, 2 का पावर 100 बनेगा, 2 का पावर 5, 2 का पावर 95,
100 बनेगा ना, इस तरह से ये 50 को मिलकर के 25 को बनाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये 2 का पावर 100 जो है, 100 कितना बार है, इंटू 2 का पावर 100 इंटू 2 का पावर 100, यही है ना, ठीक है। और बीच में क्या है आपका, इंटू है, तो सर ये क्या है आपका, ये 2 का पावर, सुनिएगा, 2 का पावर 100 कितना बार है, 25 बार है ना, तो सर इसका पावर क्या हो जाएगा, 25। यहां पर लिखते हैं 3 × 3 × 3, तो 3 कितना बार है, 3 बार है, तो लिखते हैं 3 का पावर 3। तो अब समझ में आया कि ये कैसे लिखे हैं, सो वहां से यहां तक किसी को इसमें दिक्कत, सुशांत कहां मतलब, अरे अभी तो बोलिए यार, गलती होता है कभी कभी, हम हाई लेवल तक चल जाते हैं, हाँ जी। अगर हम लोग को बोले ना कि वह ना हमको कहीं बोल देना कि एक क्वेश्चन पर आप 25 मिनट दीजिए, तो हम एक क्वेश्चन 25 मिनट देंगे और इस पर धरती में आने वाला 10 साल तक इतना क्वेश्चन बन सकता है, हम वो सब बना देंगे। लेकिन डर लगता है आप लोगों का शकल देख करके हमको, किसाला कहीं बेहोश ना हो जाए, ठीक है। हमको क्या मतलब था इसको लिखने से, हम तो आगे बढ़ जाते, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। देखिए यहां पर सुन लीजिए, पहली बार समझा रहा है कोई ग्रेडी में इंसान, तो सुन लीजिए, किसी को पढ़ाने का इच्छा कर रहा है वो छोटा सा शहर में, तो सीख लीजिए, समझे, नए रहेंगे तो फिर याद कीजिएगा। देखिए, तो ये 50 को मिलकर के 25 को बनाएगा, इसीलिए यहां 25 आया, वीडियो देख करके बाबा रिवाइज करना। सर यहां पर भी कितना गो है, नलायक, 50 गो है, 25 गो है, ढंग से बोल तो, सोच के बोल तो, कम से कम रे, छोड़ देंगे फ्लो फ्लो तरह से दे देंगे। ये टोटल कितना गो है, 50 गो है, और ये 50 गो मिल करके यहां पर 3 का पावर 2, 3 का पावर 100, 102 होगा, 3 का पावर 4 और 3 का पावर 98 होगा ना, फिर 4 और 98 कितना होगा, 102, 3 का पावर 6, 3 का पावर 96, 102। तो हर बार इधर वाला इधर वाला, सर 50 को 25 को बनाएगा, तो सर कुल मिलाकर के यहां बीच में मल्टीप्लाई है, ये वाला पूछिएगा ना करने से आगे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3 का पावर 102 है ना, कितना बार है, 25 बार है, तो ये बना आपका 3 का पावर 25। समझ में आया, नीलम बुझाया, हाँ मुस्कुराइए चेहरा पर, लग रहा है किडनियां मांग लिए हैं। अब देखिए यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का पावर क्या है, 2, अरे ऐसे कीजिएगा, 25 × 100 है ना, और इंटू क्या है आपका, 3 का पावर 102 × 2 का पावर और 3 का पावर जो होता है उसको डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, रिमाइंडर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं ना, 2 3 7 8। तो सर इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से, 4 से करेंगे तो यहां 1 बचेगा और यहां पर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो 4 लेते हैं, ठीक है, इसको करेंगे 4 से, यहां 1 बचेगा और यहां क्या बचेगा, 2, सही है, तो ये कितना आएगा आपका, 2 का पावर 4 और यहां पर क्या आएगा आपका, 3 का पावर 2, 2 का पावर 4 का मतलब 6 और ये कितना, 9। ऐसा कैसे आ रहा है, आपका कितना आया था, यही आया था, हाँ तब ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 4, इसका यूनिट डिजिट 4। क्षमा प्रभु, क्षमा, गलती से एक वजह हम दे दिए, ठीक है, क्षमा।
समझ में आया? तो चलिए हमको बताइए, अच्छा यही वाला है, ठीक है, इजी होगा आप लोग के लिए, इसी में करते हैं। आए बोलिए, सात छ सात छ सात छ सात छ, कोई इसका आंसर बताइए तो हम। अच्छा से इसी में साफ कर दे क्या? ध्यान से, किस क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? सिक्स सिक्स, हाँ यस, छह कैसे? देखे यही इतना स्पीड में छह बताएंगे, मतलब कॉपी कर दिए तुरंत। अच्छा पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बता 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 हाँ कल तो बताए थे। क्या आंसर होगा इसका? सुरेश दो, एक का चेंज हुआ, दो छ, सुरेश दो आया, कितना है? दो, दो आदमी का दो आया। शुभम मुक्ति दो, शुभम उसका छोड़ो ना, एक आदमी का बोलिए दिया, देख क्या सबका बोलना जरूरी, अब दो की तरफ मुड़ेगा क्या? छह कैसे आया हमको बताओ? सात का पावर चार, यानी कि छह का कितना ही पावर है? सात का पावर ना, हाँ यह पूछ रहे थे, बता कर रहा था। चलिए याद है कि अब सर ये बनेगा आपका क्या? चलिए बता दें, इला शांति सुनिए, प्रदीप यहां देख, सूरज इधर,
जेनम, यहां देखिए हो गया सिया, महेंद्र, जेम्स आगे मुड़ जाइए, एक एक करके पहले आप ही लोग का सकलवा देख लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ मुक्ति स्पेशल आपका नाम ले फिर, इनियोस, और किसी बात करना है और नाम लेते हैं। हाँ राजा, एक का डबल, यहां देखिए देखिए यहां पर सर, ये आपका क्या है, 7 का पावर 1 और ये 7 का पावर 99, तो कुल मिला के बनेगा 7 का पावर 100, कितना बार, 25 बार, जल्दी मगर यहां तक तो पहुंचा। 6 का पावर 2 कितना रहे, 6 बनेगा, और 6 का पावर कितना भी रहे क्या बनेगा, 6, 6 का कितना रहे, 6 ये बनेगा, ठीक है। वैसे रियल में आपका यहां लिख सकते हैं 6 का पावर 102 और इनटू मल्टीप्लाई 25, यही ना, और 6 का पावर कितना भी रहेगा क्या आएगा, 6, और ये बनेगा आपका 7 × 7 का पावर 100 × 25 डिवाइडेड बाय 4, यहां रिमाइंडर 1, यहां रिमाइंडर 4 बनेगा ना, ठीक है। 7 का पावर 4 मतलब 1, 7 का पावर 4 का मतलब क्या 1, तो ये 1 × 6 कितना, 6, आंसर समझ में आया, बुझाया ये वाला, ठीक। कहां तक हुआ, तो ये बताएं क्या, 0 होगा ना, बताएं तो, अरे 0 नहीं बताएं, मार है इंसिया, सुनिए सुनिए सुनिए, यहां पर एक नया चीज का उत्पत्ति होता है और वो क्या है सो समझिए, ठीक है। तब तक बतिया लीजिएगा, मुड़ेंगे फिर बतियाइएगा ना, जे भी बजट लॉन्च हुआ ना सब बतिया लीजिए, कि आप लोग बतियाते हैं, आप लोग बताइएगा, आप लोग कि तेरा घर में कौन तरकारी बना सो, घर में जाके की करेगा सो, पढ़ाई लिखाई तो बतिया नहीं ये करते होंगे, उतना होशियार तो आप लोग है ना, किसको ये फॉर्मूला याद है वो हाथ खड़ा करें और पूरा पूछेंगे, एक भी गलत हुआ कान पकड़े खड़ा कर देंगे, ना पूरा चाहिए हमको, ना बोलना है, भगवान प्यारा प्यारा मुंह दिया है ये ठीक बोला इतना बोल दिया 4 को पावर है बोल पाए चलिए यहां देखिए, अब ये आपको क्या आएगा ना कि इसका सम बताइए, क्या बताइए, सम मतलब जोड़ बताइए इसका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, पहला वाला का फॉर्मूला होता है, बोलो एक मिनट साहब, मेरा मुक्ति बताएगा, ट्राई तो करो, खड़ा हो ट्राई करो,
छोटा, क्या शेयर करेगा? राखी हाँ मुक्ति बोलिए। अरे देख करके हट इनटू एन प्लस वन बाय बैठ 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 ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये और ये याद करना इजी है, खाली उसमें स्क्वायर लगा देंगे इजी है ना। एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, नीचे वाला में क्या होगा स्क्वायर, सही है। और ये क्या है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। अच्छा ये सही है मुक्ति? हाँ बीच वाला सही है। चले ये देखिए क्या है आपका पावर, क्या है आपका क्यूब है ना, ठीक। पावर अगर आपका क्यूब है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये लगेगा, ठीक है। अब देखिए n का मतलब होता है आखिरी नंबर, क्या होता है आखिरी नंबर, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ना वो शुरुआत से ही चलेगा, कहां से शुरुआत से ही चलेगा, मतलब वन टू थ्री फोर सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे। शुरुआत का अगर एग्जांपल हम ना लें तो लगातार से चलेगा, मेन क्या होता है लगातार, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे, ऐसा नहीं कि वन फाइव आर फिर एट ऐसे करके सब मत कर दीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल बीच से भी कर सकते हैं, अट्ठाईस प्लस उनतीस प्लस तीस प्लस इकतीस प्लस बत्तीस, लेकिन बात यह है कि लगातार होना चाहिए, क्या होना चाहिए लगातार होना चाहिए। उसके लिए भी कुछ और तरीका है वो बताएंगे बाद में, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हो रहा है वन से। सर n के जगह क्या रखेंगे 101, n प्लस वन कितना हो जाएगा 102 बटा 2, ये आएगा 51। 51 का 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, 1 का पावर कितना रहेगा क्या आएगा 1, आंसर 1। समझ में आया? कल आप लोग का नया चीज चालू होगा, कल शुक्रवार है ना, शुक्रवार और शनिवार आप लोग का चालू होगा सीरीज नंबर सिस्टम का आखिरी पैटर्न, इसको बोलते हैं सीरीज, जो अभी का समय में 9 के बराबर आता है, वही 1/2 1/3 आता वो 9 के बराबर आता है, लेकिन 2 दिन चलेगा, सीख लीजिएगा सब। सर ये क्या है आपका पावर 4, ये पावर 4 के बारे में बताएंगे कल, पहले जो सेम है वो कर लीजिए। अच्छा हमको ये बताइए, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे याद रखिएगा, जैसे 2, 3, 7 और 8 चलता है, इसका पावर को डिवाइड किससे करते हैं 4 से, कौन 2 बोला ना, 4 से करते हैं, ठीक है। हमको ये बताइए कि 1 का पावर कुछ भी रहे उसको अगर 4 से हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना सर, 1, 5, 6 और यहां 0 भी,
इन लोग का पावर को अगर चार से आप डिवाइड कर दें तब वो इन लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन लोग बोलेगा भाई तुम लोग पावर को चार से कर दो, आठ से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये लोग बोलेगा एक काम करो तुम लोग हमको भी इसमें शामिल कर लो, है ना, शामिल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पावर वन का होगा क्या वही पावर पांच का कोई दिक्कत है क्या? वन का पावर पांच का इकाई अंक क्या होगा? वन। वन का पावर एक का इकाई अंक क्या होगा? वन। सर पांच का पावर एक और पांच का पावर पांच का इकाई अंक क्या होगा? सेम होगा ना। छह का पावर एक और छह का पावर पांच का इकाई अंक क्या होगा? सेम होगा, छह होगा। दो का पावर एक का अगला कितना पावर सेम होगा? कौन सा पावर सेम होगा? पांच। दो का पावर एक, ठीक से बैठिए, दो का पावर एक और अगला दो का पावर पांच, क्योंकि उस पांच को जब चार से डिवाइड करते हैं क्या रिमाइंडर आता है? एक। अगला दो का पावर दो और दो का पावर छह बराबर होगा, है ना। दो का पावर तीन और दो का पावर सात, सही है। दो का पावर चार और दो का पावर आठ, दो का पावर नौ और दो का पावर एक, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो सर एक किसके बराबर है? पांच के बराबर है। एक किसके बराबर है? पांच के बराबर है। एक किसके बराबर है? पांच के बराबर है, इकाई अंक, है ना। सर इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक और किस में? पांच में। एक और पांच में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं ना। ये लोग बोलेगा भाई शामिल कर लो हमको, वो ठीक है कर लेते हैं। खाली केवल क्या बचा? चार और नौ, है ना। सर चार का पावर ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, खाली ऑड रहना चाहिए। तो चार का पावर एक और चार का पावर, सॉरी चार नहीं था ना, ठीक, चार का पावर एक और चार का पावर पांच में कोई फर्क होगा इकाई में क्या? नहीं ना। अभी भी इकाई अंक चार होगा, अभी भी इकाई अंक चार होगा, है ना। नौ का पावर एक और नौ का पावर पांच में कोई फर्क है क्या? नहीं ना, ठीक है। सर खाली इन लोग को क्या चाहिए कि पावर ऑड इवन का खेला है, है ना। ये समझ में आ रहा है पिंटू? कहां दिक्कत हो रहा है इसमें? नौ का पावर पांच में इकाई अंक क्या होगा आपका? एक होगा ना, सॉरी क्या होगा? नौ होगा। नौ का पावर पांच में इकाई अंक क्या होगा? नौ होगा, क्योंकि नौ का पावर ऑड है। और नौ का पावर वन में इकाई अंक क्या होगा? नौ। तो नौ का पावर पांच रहे या नौ का पावर एक रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। नौ का पावर सात रहे या नौ का पावर एक रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नौ का पावर नौ रहे या नौ का पावर नौ रहे, सुनिएगा, नौ का पावर नौ रहे या नौ का पावर एक रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। खाली नौ का पावर क्या होना चाहिए? ऑड, ऑड। तो ध्यान से समझिएगा मेरा बात, ये भी एक पांच सेम है, ये भी एक पांच सेम है और ये भी एक पांच क्या है? सेम। तो ये भी सर एक और पांच सेम ही आ रहा है ना, एक भी ऑड है और पांच भी ऑड है, मतलब सेम ही आएगा, यहां तक क्लियर है। तो ये सभी लोग क्या होगा? एक ही भाई में रहेगा जब डिवाइड किया जाए पावर को किससे? चार से। जब पावर को डिवाइड किया जाए किससे? चार से। सभी लोग सेम रिपीटेशन को फॉलो करेगा, सभी लोग सेम रिपीटेशन को फॉलो करेगा। कैसे वो समझिए, दो का पावर वन, अगला दो का पावर पांच, अगला दो का पावर नौ, क्या सेम नहीं होगा? होगा ना। सर तीन का पावर एक, तीन का पावर पांच, तीन का पावर नौ, क्या सेम नहीं होगा? होगा ना। सर चार का पावर एक, चार का पावर पांच, चार का पावर नौ, सेम होगा ना। सर पांच का पावर एक, पांच का पावर पांच, पांच का पावर नौ, कोई दिक्कत? छह का पावर एक, छह का पावर पांच, छह का पावर नौ, समझिएगा। इस टाइप से हम बहुत सारा क्वेश्चन बना देंगे, अभी तक पूछा नहीं गया है
लेकिन हम बना देंगे। देखिएगा सर, 7 का पावर 1, 7 का पावर 5, 7 का पावर 9, सर 8 का पावर 1, 8 का पावर 5, 8 का पावर 9, और 9 बचा ना, 9 का पावर 1, 9 का पावर 5, 9 का पावर 9। क्या ये सब अलग अलग होगा क्या? सेम ही तो होगा ना, मतलब हर 4-4 के बाद क्या रिपीटेशन हो रहा है ना। सर हम लोग क्या किए, ये 5 और 6 को एक में रख लिए ताकि हम लोग के लिए इजी हो, समझे। 5 और 4 क्या कर रहा है, हर एक के बाद रिपीटेशन दे रहा है। अगर कोई आदमी हर एक के बाद रिपीटेशन दे रहा है, इसका मतलब 4 के बाद भी तो रिपीटेशन देगा, है ना। तो एग्जामिनर इसको शामिल कर दिया इन लोग का ग्रुप में क्वेश्चन के लिए। अब ये बताइए, सुनिए ध्यान से, 5 और कौन 6 और ये क्या था 1 था, वो और देखिए यहां पर सर, ये 4 और 9 हर 2 के बाद रिपीटेशन दे रहा था ना, हर 2 के बाद। सर कोई आदमी हर 2 के बाद रिपीटेशन दे रहा है, इसका मतलब 4 के बाद तो रिपीटेशन देगा ही देगा। अरे 2 के बाद रिपीटेशन दे रहा है तो 4 के बाद देगा ही ना, ऊपर से नहीं जा रहा है वो, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक, क्लियर है यादक लुबिन? ठीक, रिकॉर्डिंग हो बार बार देखिएगा, ठीक है, बता देते हैं। इसका मतलब सर ये चारों बोल क्या रहा है 2, 3, 7, 8 को कि भाई हमको भी तुम शामिल कर लो, तुम लोग जैसे 4-4 के बाद रिपीटेशन दे रहा है। देखो हम लोग पहले तो रिपीटेशन दे ही रहे हैं, है ना। 5 और 6 क्या बोलेगा कि हम लोग पहले तो रिपीटेशन दे ही रहे हैं, लेकिन तेरे साथ भी आ सकते हैं हम लोग, है ना। 5 और 6 हर एक के बाद रिपीटेशन दे रहा है, 5 का पावर 1 रहे या 5 का पावर 2 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर उसी प्रकार 5 का पावर 1 रहे या 5 का पावर 5 रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर हर एक के बाद रिपीटेशन दे रहा है, इसका मतलब 4 के बाद भी रिपीटेशन देगा वो, ठीक है। और यहां पर 4 और 9 हर 2 के बाद रिपीटेशन दे रहा है, इसका मतलब हर 4 के बाद भी रिपीटेशन देगा वो, है ना। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, मतलब सभी लोग एक ही कैटेगरी का हो गया, है ना। अगर सबका, सुनिएगा, अगर सबका पावर 5 रहे तो क्या सबका पावर 1 लेना सही नहीं है? सही है ना। अगर सबका पावर 5 दिया हुआ रहे तो सबका पावर 1 लेना सही नहीं है, ले सकते हैं ना। अगर सबका पावर 9 रहे, सबका पावर 1 लेना सही नहीं है, ले सकते हैं। सर पावर को कर क्या रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना। हमको यह बताइए कि अगला 2 का 1 में कर रहे हैं, सबका समझ लीजिएगा, इसका कर रहे हैं 4 का पावर 2, किसका सेम होगा, 4 का पावर 6 का सेम होगा ना, हर 4 के बाद, बाकी सब में तो सही होगा। हाँ, 7 का पावर 2, 7 का पावर 6 सेम होगा। अगर 7 का पावर 6 लिखा हुआ है तो क्या उसको 7 का पावर 2 नहीं मान सकते हम लोग इकाई अंक के लिए? सर 4 का पावर 3, 4 का पावर क्या सेम नहीं होगा? सर 4 का पावर 7 क्या आवाज की, 4 का पावर 7 और 4 का पावर 3 क्या सेम नहीं होगा? होगा ना। तो सर हो क्या रहा है, जो भी पावर आ रहा है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जो बच रहा है उसी को मान ले रहे हैं, है ना। तो सर एक काम करते हैं ना, ये देखिएगा, ठीक सर, 6 का पावर 81, ठीक है, 6 का पावर 85 और 6 का पावर 89 क्या सेम नहीं होगा? सेम होगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो सर इसका जो भी शेषफल आएगा उस पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे आप लोग का ये क्वेश्चन है तो इसका आप लोग इकाई अंक क्या मानिएगा,
क्या इसका इकाई अंक वन मानने में कोई दिक्कत है क्या? इसका इकाई अंक क्या मानेंगे हम लोग? वन। तो सर ये वन हो जाएगा, सभी वन वन वन, और इसका पावर वन रहे तो कोई दिक्कत नहीं। केवल फॉर्मूला क्या लगेगा? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो ये क्या हो जाएगा? 98 इंटू 99 बाय दो, और ये कितना बार में? 49, और 99 जाए 81, क्या बचेगा? क्या ये आंसर नहीं होगा? होगा ना, समझ में आया? तब आखिरी क्वेश्चन, यूनिट डिजिट का आखिरी क्वेश्चन। आप लोग खुद बना लीजिएगा, ये वाला बन जाएगा ना, ये वाला ठीक है। देखिए ए को बताते हैं, इसमें जो अभी इतना बताए ना हम, ये बताने का मेरा रीजन केवल यही था कि भविष्य में एग्जामिनर ये क्वेश्चन ना दे करके देना भी नहीं चाहिए उन लोगों को। अब यहां पर ये देगा, देखिए ठीक, यहां पर देगा आपका 85। क्या देगा? 85। पावर क्या होगा? 85। अब बताइए 85 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, शामिल वही होगा ना, क्योंकि 85 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 ही लेना है ना। अगर 86 होता तो रिमाइंडर क्या लेते हैं? 2। अगर 87 होता रिमाइंडर क्या लेते हैं? 3। लेकिन अगर रिमाइंडर 88 रहता तो क्या लेते हैं? 4। और सर एक का पावर 4 और 98 का पावर 4 में आप लोग फंस जाइएगा, कोई फॉर्मूला साथ नहीं देगा। 3 तक तो फॉर्मूला है ना पावर का, 4 का फॉर्मूला है क्या? अगर 5 आएगा लीजिएगा 1, 6 आएगा लीजिएगा 2, 7 आएगा लीजिएगा 3, लेकिन 8 आएगा तो पावर तो 4 लीजिएगा। अब हमको ये बताइए कि अगर यहां पर अगर 88 रहे, या पावर थोड़ी ना, पावर 4 रहे, 4 8 88 बात एक ही पड़ता है ना, अगर पावर 4 रहे तब सॉल्व कैसे कीजिएगा? और तो फंस जाइएगा है ना। यही वाला क्वेश्चन पीछे छोड़वाए थे एगो, जो कि बताएंगे कल, ठीक है बड़ा ये सिंपल, विश्वास रखिए। यूनिट डिजिट का एक भी, रुकिए सब साथ बैठ रहेगा, मेगा रजिस्टर लेकर के आइएगा जरा, रेंडर से लेंगे सबका भी। सभी यूनिट डिजिट का एक भी पैटर्न हम नहीं छोड़े,